ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जब आंकड़ों के साथ उनकी बारंबारता दी गई हो। इसमें भी आपको वही काम करना है। देखो, दो की बारंबारता 6, इसका मतलब 2 6 बार आया है। 4 की बारंबारता 9, इसका मतलब 4 संख्या 9 बार आई है। 6 की बारंबारता 3, यानी 6 संख्या 3 बार आई है। समझ में आ रही बात? 8 की बारंबारता 7, यानी 8 संख्या 7 बार आई है। और 10 की बारंबारता है 1, यानी 10 संख्या केवल 1 बार आई है। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी? 4 की। किसकी सबसे ज़्यादा है? 4 की। चूंकि 4 की बारंबारता सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 4। ये आंसर। दो लाइन में आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन आप हमें करके दिखा दें, ये आपके लिए। एक्स एफ यहाँ पर है 2 6 9 15, ठीक। बारंबारता इसकी 8 है, इसकी 7 है, इसकी 15 है, इसकी 10 है, इसकी 3 है। बताओ बहुलक कौन सा होगा?